हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7, क्लास 10th केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, क्लास 10th की साइंस हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी प्रॉबेबिलिटी है, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, अब तक हमने एसिड देख लिए, बेस देख लिए, सॉल्ट देख लिए, इवन एसिड और बेस को डिफाइन करने वाली कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज या फिर हम थ्योरीज पढ़ी थी, एक तो थी आपकी आरएनएस थ्योरी, दूसरी थी आपकी ब्राउनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, और तीसरी ल्यूस थ्योरी। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो अब हम देखेंगे एसिड और बेस की कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषताएं। आप कैसे पता लगाओगे कि एसिड की क्या विशेषताएं, बेस की क्या विशेषताएं? तो विशेषताओं के आधार पर आप बता दोगे कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। पहली बात, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर का मतलब है खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ध्यान रखना। एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस कैसे होते हैं? बिटर मतलब कड़वे, कड़वे होते हैं, ठीक है। जैसे आप नींबू लो, नींबू को आप खाओगे देखोगे तो टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है। नींबू ले लो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, इमली ले लो, और करेला खाओ, करेला की सब्जी खाई होगी, कैसी लगती है? कड़वी कड़वी लगती है। या फिर आयुर्वेद की कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो आप लोगे तो कैसी लगेंगी? कड़वी कड़वी से लगती हैं। तो जो कड़वी कड़वी होती हैं वो तो बेस, और जो खट्टी खट्टी होती हैं वो चीज़ क्या होती है? एसिड्स। तो आप किसी भी सब्सटेंस को सिर्फ टेस्ट के आधार पर बता सकते हो कि ये एसिड है या बेस है। दूसरा, एसिड चेंजेज ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस चेंजेज रेड लिटमस टू ब्लू। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दो, एक तो बताई थी अनिल, कौन सी बताई थी? अनिल वाली ट्रिक बताई थी मैंने, आई होप आपको याद होगा अनिल वाली कौन सी ट्रिक थी, ठीक है। और दूसरी बताई थी मैंने छलनी, अनिल, चलो यार अनिल, और दूसरी बताई थी छलनी। देखो, एसिड को हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और नी का मतलब है नीला, और ला का मतलब है लाल। तो मतलब कहने का ये है, एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक याद रख लो, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। बेस को हम हिंदी में बोलते हैं क्षार, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। तो बेस क्या करेंगे? ला मतलब लाल और ना मतलब नीला। बेस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ट्रिक याद रखना, अनिल और छल्ली, इससे आपको याद रहेगा कि कौन से लिटमस को कौन से कलर में कौन चेंज करता है, ठीक है। एसिड चेंजेज ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस चेंजेज रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज हो गई। क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि राइट एनी थ्री डिफरेंस, क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है? राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस में तीन अंतर बताओ, तो ये प्रॉपर्टी से बता सकते हो। अगला है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा देन हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट, जब एसिड क्या करते हैं, मेटल से रिएक्ट करेंगे तो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, मेटल प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे H2SO4, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्ट कर रहा है जिंक से, और जिंक आपको पता है ये क्या है? एक मेटल है। जब इससे रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट और H2। तो जिंक सल्फेट हो जाएगा एक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेटल का कंटेंट है और साथ के साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी का पार्ट है ये। आप इसको चार तो नहीं कहोगे, मगर और लगा के हम कह सकते हैं इसको कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो बनेगा मेटेलिक सॉल्ट और दूसरी बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है जिंक मेटल से, क्या बना रहे हैं? जिंक सल्फेट, जिसका जिंक सल्फेट का एक मेटेलिक सॉल्ट है, साथ के साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई सोर सब्सटेंसेस और कर्ड नॉट कैप्ट इन मेटेलिक कंटेनर, गिव द रीजन। कि जो खट्टी पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं, या दही जो होता है, उसको मेटल के कंटेनर में, मेटल के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं? तो सिंपल सी बात है, खट्टा है मतलब एसिड है, और मेटल है मतलब
क्या होगा, एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इसका आंसर देना है कि जब भी हम किसी एसिडिक पदार्थ को, एसिडिक सब्सटेंस को मेटल के कंटेनर में रखेंगे तो उसमें रिएक्शन होगी, ठीक है। और अगर खाने पीने की चीज़ें, तो रिएक्शन होने के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा, जो आपके खाने को क्या बना सकता है, पॉइजनस बना सकता है, जहरीला बना सकता है, जिसकी वजह से आपके फूड पॉइजनिंग हो सकती है और जो आपकी हेल्थ को प्रभाव पहुंचा सकता है, बुरा प्रभाव, इसलिए उनको नहीं रखते हैं। तो आंसर आपको कैसे लिखना है कि कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। कर्ड कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। व्हेन इट इज केप्ट विद मेटेलिक कंटेनर, जब इसको मेटेलिक कंटेनर में रखा जाता है, कर्ड रिएक्ट्स विद कंटेनर एंड फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड। और जब कर्ड को मेटेलिक कंटेनर में रखा जाता है तो एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाएगा, जहरीला कंपाउंड बनाएगा, विच में कॉज फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग एक टाइप की बीमारी, जिसमें कोई भी खाना खाते हैं तो खाना वो हमारे पेट में पचता नहीं है और दर्द बढ़ सकता है और वोमिटिंग और कई सारी चीज़ें होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिडिक फूड आइटम्स को मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी तीन प्रॉपर्टीज हुई हैं, एक क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी प्रॉपर्टीज का पार्ट बने, ये ऐसे समझ लो, ये जो प्रॉपर्टी चल रही है इसका ये क्या है, पार्ट बने। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं एक जो क्वेश्चन हर साल आ रहा है आपका क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन गैस जो बनती है, आपको रिएक्शन बतानी है कि मेटल प्लस एसिड मिलके क्या बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, तो उसका डायग्राम बनाना है। तो वो डायग्राम मैं अगले वाले वीडियो में बनाऊंगा, साफ सा एक मस्त वाला एक डायग्राम, और उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे डायग्राम आपको बनाना है। और वो क्वेश्चन हर साल आता है, 3 साल से लगातार वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।